हमारी प्रमुख मांगों में है हमारा नियमितीकरण करना, हमको परमानेंट एम्प्लॉय का दर्जा देना, क्योंकि हम जानते GDS जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल में आते हैं, पहले हम 4 घंटे की ड्यूटी का हमारा दायरा था, अंग्रेजों के ज़माने से एक रूल चला आ रहा है 3A करके, उस रूल के अकॉर्डिंग हम जो ग्रामीण डाक सेवक है उनको 4 घंटे से ज़्यादा काम नहीं मिलता, लेकिन अभी जो सिचुएशन आ गई है, अलग अलग फैसिलिटी आ गई है, अलग अलग ऑनलाइन चीज़ें जुड़ रही है डाक विभाग के साथ, जैसे इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक हो गया, और आधार का काम, सारी चीज़ें, CSC का काम, इस सारे जुड़ने के कारण हमारा काम सिर्फ 4 घंटे का नहीं रहा है, कहीं 8 घंटे 9 घंटे से ज़्यादा हो गया, और जिसके कारण हमको उतना ही दर्जा मिलना चाहिए जितना एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, और जो सुविधा एक नियमित कर्मचारी को मिलती है वो हमें मिलना चाहिए। बस इसी के लिए हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो और हमको परमानेंट किया जाए। आपकी मांगे पूरी नहीं होती, हम कंटिन्यू हड़ताल करेंगे, हम जब तक हड़ताल में यहीं डट के बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। हम लोग ग्रामीण डाक सेवक हैं, डाक विभाग की रीढ़ कहे जाते हैं, लेकिन सरकार कहती तो है हमको सद्भावना देने के लिए, लेकिन हमको मानती नहीं है। विगत सप्ताह डाक बिल आया माननीय वैष्णव जी हमारे संचार मंत्री के द्वारा, लेकिन हमारा कोई जिक्र नहीं किया गया, और हमसे हमेशा दोहरा बर्ताव किया जाता है, काम हमसे खूब लिया जाता है, उसका वेज नहीं दिया जाता है। हम कब से अंग्रेज के काल से जिस स्थिति में थे और बदतर होती जा रही है स्थिति, तो हमारी मांग है कि हमको सिविल सेवक का दर्जा दिया जाए, 8 घंटे का काम दिया जाए, रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुटी दी जाए, और सरकार के द्वारा ही गठित की गई थी कमलेशन कमेटी, उनकी सिफारिशों को माना जाए। मांगे जो है नियमितीकरण की है, GDS जो है अभी अतिरिक्त विभागीय दर्जा उसको मिला हुआ है, जिसमें 4 घंटे की नौकरी है और उसी के हिसाब से पेमेंट दिया जाता है, उसे हम 8 घंटे बढ़ाकर और नियमितीकरण जो सिविल रेगुलर सिविल सर्वेंट जो होता है उसकी दर्जा की मांग कर रहे हैं। क्या क्या आपकी प्रमुख मांगे? प्रमुख मांगे नियमितीकरण की ही है सर, और उसके अलावा जो सिविल सर्वेंट को जो मिलता है जैसे 5 लाख की ग्रेजुटी, और जो स्वास्थ्य है, जो बीमा है, चंद्र कमेटी है जिन्होंने, जिसका गठन 2018 में केंद्र सरकार ने किया था GDS की मांगों को लेकर, लंबित मांगों को लेकर, उसकी जो सिफारिश थी कि 12, 24 और 36 में क्रमोन्नति दिया जाए, वेतन पदोन्नति दिया जाए, उसकी सिफारिश अभी तक लागू नहीं हुई है, जिसके कारण ही GDS को यहाँ हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ा। अभी जो नया रिसेंटली पोस्ट ऑफिस बिल भी आया हुआ है, तो पोस्ट ऑफिस बिल में GDS के लिए कुछ नहीं है, उसको रेगुलर करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए GDS को मजबूर होना पड़ा अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर निश्चितकालीन हड़ताल में बैठने के लिए।